इंडस्ट्री से पिछले कुछ महीनों से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही है। लगातार इस वक्त सभी की नजरें सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस पर टिकी हुई है। इसी बीच जहां कल यानी 6 अगस्त को क्योंकि सास भी कभी बहुत ही फेम टीवी एक्टर शमीर शर्मा ने सुसाइड कर लिया था और जिसकी वजह से सब हैरान हो गए थे, वहीं अब भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक के सुसाइड करने की खबर सामने आई है। जी हां, महज 40 साल की उम्र में अनुपमा पाठक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अनुपमा की बॉडी उनके मुंबई के दहिसर स्थित घर में फंदे से लटकी हुई पाई गई। अनुपमा मौत से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लाइव आई थी और अपने फैंस से रूबरू हुई थी और लगातार ही उन्हें हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, हर कोई उनके आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है। वहीं काजल राघवानी ने भी एक पोस्ट शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अनुपमा पाठक की फिल्म का एक छोटा सा क्लिप उन्होंने शेयर किया है और लिखा है, रेस्ट इन पीस अनुपमा पाठक दीदी। जी हाँ, उन्होंने उनकी आत्मा की शांति की दुआ मांगी है। हम भी दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया ससुर बिक रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।